अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर टू का टॉपिक नंबर 2.6, जिसकी हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, लाइक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लास्ट टाइम सॉल्व की। आज का हमारा टॉपिक है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन इन स्पीड टाइम ग्राफ शोन इन फिगर 2.26, जिस फिगर की हमने लास्ट टाइम बात की। आपके पास फिगर शो हुआ है स्पीड टाइम ग्राफ का, जिसका एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो हमें डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी देता है, जिसमें एक रेड लाइन आपको शो हो रही है जो कि एक्सेलरेशन को शो कर रही है, ए बी से आपने उसे डिनोट किया है, जिसके नीचे हमने पूरा एरिया जो इसके नीचे कवर हो रहा है इसके अंडर वो है ओ ए बी डी, जो कि टोटल एरिया आएगा। और एरिया किसके को हमने देखा, डिस्टेंस के। ठीक हो गया बच्चों। अब इसके लिए हमारे पास, हमने इसको दो डायग्राम्स में डिवाइड कर लिया, एक जो थी ऊपर वाली शेप ट्राइंगल और नीचे वाली शेप रेक्टेंगुलर। ठीक हो गया बच्चों। अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड एस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज गिवन बाय द टोटल एरिया ओ ए बी डी अंडर द ग्राफ। टोटल एरिया हमने निकालना है ओ ए बी डी का। तो एस इज इक्वल टू बच्चों, अगर हम टोटल इस शेप का निकालें तो हमारे पास कुछ इस तरह से फार्मूला बनता है, ओ ए प्लस बी डी ओवर टू ओ ए, ओ ए हमारे पास आ गया आई। ठीक हो गया बच्चों। ओ ए प्लस बी डी, बी डी हमारे पास क्या है, बी डी, ओ ए पूरी लाइन, इसी तरह बी डी भी पूरी लाइन। ठीक हो गया। ओवर टू मल्टीप्लाई बाय ओ डी, ओ डी हमारे पास क्या है बच्चों, ओ डी टाइम। ठीक हो गया। एक हमारे पास ओ ए वी आई है, बी डी जो है वो वी एफ है, और ओ डी जो है हमारे पास टोटल टाइम है। ठीक हो गया बच्चों। तो दोनों वेलोसिटीज़ को हमने डिवाइड कर देना है टू से, मल्टीप्लाई बाय ओ डी, ओ डी टाइम एक्सिस पे टोटल टाइम आ गया। टू को मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरी साइड पे जाके, तो हो जाएगा टू एस इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाय ओ डी, मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड्स बाय बी सी ओवर ओ डी। अब बी सी ओवर ओ डी को हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि बी सी ओवर ओ डी हमारे पास इक्वल है ए के एक्सेलरेशन के। तो अगर हम इसको बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास राइट साइड से ओ डी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। लाइक इसको सॉल्व करते हैं, टू एस मल्टीप्लाई बाय बी सी ओवर ओ डी इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाय ओ डी मल्टीप्लाई बी सी ओवर ओ डी। अब यहाँ पे ओ डी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाय बी सी। अब इस इक्वेशन में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज़ इन द अबव इक्वेशन 2.7 वी गेट। अब यहाँ पे देखें बच्चों, 2s इज इक्वल टू सॉरी 2s मल्टीप्लाई बाय a, a अभी हमने कहाँ से पुट किया, हमने ऊपर मेंशन किया कि बी सी ओवर ओ डी जो है वो एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहा है। उसके अलावा ओ ए क्या है, ओ ए मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ओ ए इज इक्वल टू वी आई। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद डी, बी डी हमने क्या देखा, बी डी की वैल्यू हमने क्या देखी, बी डी इज इक्वल टू वी एफ। ठीक हो गया। देन हमारे पास नेक्स्ट क्या वैल्यू है, बी सी, बी सी किसके इक्वल है, बी सी हमें चाहिए, तो हम कहेंगे बी डी माइनस सी डी, बी सी जा बी सी आ जाएगा, तो वो क्या है, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। ठीक हो गया बच्चों, क्योंकि दोनों वैल्यूज जो हैं मल्टीप्लाई हो जाएंगी और माइनस प्लस माइनस भी माइनस हो जाएगा, तो वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। इसके बाद नेक्स्ट ये हमारे पास आ गई क्वेश्चन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2.1, अ कार ट्रेवलिंग एट द डिस्ट एट 10 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, कैलकुलेट द वेलोसिटी एट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड्स। वी आई इनिशियल वेलोसिटी हमें दी गई है, एक्सेलरेशन हमें गिवन है, टाइम हमें गिवन है, हमने वी एफ फाइंड करनी है, फाइनल वेलोसिटी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया बच्चों। तो 5 सेकेंड के बाद उस कार की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 2.1, अ ट्रेन स्लोज डाउन फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर विद अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मीन नेगेटिव में इसकी वैल्यू है, ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू अटेन अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। हमने टाइम फाइंड करना है, वी आई हमें दी गई है किलोमीटर पर आवर में, वी एफ भी दी गई है, इनको हम सबसे पहले
मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम वेलोसिटी को हमेशा मीटर पर सेकंड के यूनिट्स में ही लेते हैं। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 1000 किलो की वैल्यू आ गई, मीटर एज इट इज आ जाएगा, और को हम कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड में, जो कि है 60 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया 22.2 मीटर पर सेकेंड। वी एफ फाइंड करेंगे 20 किलोमीटर पर आवर, सेम उसी मेथड से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5.6 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें दी गई है माइनस हमने क्यों लगाया, क्योंकि उसने क्वेश्चन में मेंशन किया था कि ये हमारे पास रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन मीन नेगेटिव एक्सेलरेशन है। टाइम हमने फाइंड करना है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए, फार्मूला है हमारे पास यहाँ से, हम वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक हो गई, हमारे पास फार्मूला है। यहाँ से हमें टाइम निकालना है, तो टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर ए हो जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे, दोनों ऊपर वाली वैल्यूज़ को माइनस करके नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि है 8.3 सेकंड्स। ठीक हो गया बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 2.12। बाइसाइकिल एक्सेलरेट्स एट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फ्रॉम एन इनिशियल वेलोसिटी दिस फॉर 10 सेकंड्स, फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय इट ड्यूरिंग द दिस इंटरवल ऑफ टाइम। वी आई हमें दिया गया है, एक्सेलरेशन की वैल्यू दी है और टाइम की वैल्यू दी हुई है, एस हमने फाइंड करना है। सिंपल हमारे पास फार्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। वैल्यूज पुट करेंगे, कोई किसी किस्म की कन्वर्जन नहीं है किसी यूनिट की, सिंपली आपने वैल्यूज़ को पुट करना है, जो मल्टीप्लाई हो रही है उनको मल्टीप्लाई करके, जो स्क्वेयर है टी का उसको स्क्वेयर ले लेंगे और हम सब वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 90 मीटर्स। दस द बाइसाइकिल विल मूव 90 मीटर्स इन 10 सेकेंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 2.13। अ कार ट्रेवल्स विद द वेलोसिटी ऑफ दिस, इट देन एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एंड ट्रेवल्स द डिस्टेंस दिस। इफ द वेलोसिटी रीच्ड इन 15 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द टाइम टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, देन हमें डिस्टेंस दिया गया है, वी एफ दी गई है, हमने फाइनल एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है और टाइम टी भी फाइंड करना है। इक्वेशन है हमारे पास, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई। ए हमें चाहिए, तो 2a एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई s की वैल्यू पुट की, वी एफ की वैल्यू पुट की, वी आई की वैल्यू पुट की, इनको सॉल्व किया, इनका स्क्वेयर लेके, ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद 50 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 100 मीटर बन जाएगा, a इस तरफ ही रहेगा, 100 मीटर इस दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्सेलरेशन की वैल्यू, जो कि आएगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। नेक्स्ट हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे टाइम टी को फाइंड करने के लिए, तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहाँ पर सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे, दोनों वैल्यूज़ प्लस माइनस हो रही हैं, उनको प्लस करेंगे, देन मल्टीप्लाई हो रहा है टी के साथ, टी इसी तरफ रहेगा, दूसरी वैल्यू इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, तो टी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड ओवर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 सेकेंड हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, ये थी हमारा आज का टॉपिक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और उसके बाद जितनी भी एग्जांपल थी, एग्जांपल नंबर 2.11, 2.12, 2.13। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, अपने फ्रेंड्स वैलर्स के साथ वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।